इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया, बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ, शिलापट का अनावरण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, आज उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने, यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान बन रहे हैं, आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल कनेक्टिविटी। आज यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। ये सब कुछ आज हमारे यूपी में हो रहा है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले
दो तीन सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा।